आज हम आपको बस ड्राइवरों के बदहाली की तस्वीर दिखाएंगे। ना तो इनकी कोई सुध लेने वाला है और ना ही खाने पीने की उचित व्यवस्था, ना ही सरकार इन पर ध्यान दे रही है और ना ही इनके विभागीय कर्मचारी। आपको बता दें, ये वही बस ड्राइवर हैं जो कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी हालत ऐसी है कि ना तो इनके रहने के लिए उचित व्यवस्था है और ना ही खाने के लिए उचित भोजन, जिसे तंग आकर इन बस ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दिया। हमारी टीम जब हड़ताल स्थल पर पहुंची तो इन्होंने अपने बदहाली के किस्से सुना। दरअसल विंध्यनगर डिपो के कर्मचारी वाराणसी बस स्टैंड में हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले कई दिनों से उन्हें न तो खाना मिल पा रहा है और न ही सैलरी मिल रही है। इसके साथ ही उनका आरोप है कि बसों का सैनिटाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है, न तो उनको मास्क वितरित किया गया और न ही सैनिटाइजर, इस वजह से उन्होंने हड़ताल कर दिया है। डेट हो गई, अनिल दुबे, उनके बारे में कुछ विभाग द्वारा अभी तक बताया नहीं गया न किया गया, और जो है आर्थिक कोई मदद दी गई उनके लिए ड्यूटी करते हुए, उन्होंने बीमार जब पड़ा तो उनको जो है यहाँ से छोड़ दिया गया। अब बोल दिया गया अब घर चले जाओ। वो 3 दिन में किसी तरीके से इस वाहन उस वाहन पैदल करके घर पहुँचा। घर पहुँचते पहुँचते अगला मरणावस्था हो गया, लास्ट में मर गए। अब उनके लिए कुछ विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। फ़ोन करने पर आरम्भ हमारे जो हैं फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सांत्वना भी नहीं दिए इस दुखद घड़ी में। अब बताइए हम लोग कैसे चल सकते हैं। बस यही नहीं, पिछले दिनों ही उनका एक साथी बुखार के कारण ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अपने साथी की मृत्यु पर विभाग से मुआवजे की मांग को लेकर वह लगातार अड़े हुए हैं। बस ड्राइवरों का कहना है कि जल्द से जल्द हमारे मृतक साथी को मुआवजा दिया जाए और हमारे रहने के लिए उचित व्यवस्था और खाने के लिए उचित भोजन मुहैया कराया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि संचालक ने हमें धमकी दी है कि हड़ताल खत्म करने पर सबको निकाल दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा गया कि यदि बस नहीं चलाई गई तो अन्य जगहों से बस चालकों को बुलाकर बस चलाई जाएगी। अपने विभागीय कर्मचारियों की इस बात से बस ड्राइवर काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमारे साथ हो रही जाति और अमानवीय व्यवहार है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम मोनू कुमार, मैं विंध्यनगर डिपो से हूँ। सर, मोनू जी, आप कहाँ पे इस समय सभी लोग धरने पे बैठे हैं और क्या? हम सभी लोग सर यहाँ पे कैंट डिपो पे हैं अपने, और यहाँ पे सारे लोग इसी मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा भाई एक अनिल दुबे ड्राइवर करके थे, जो कि अभी यहाँ पे उनको काम करने के दौरान ही उनकी तबीयत खराब होती है। हमारे पदाधिकारी उनका इलाज कराने के बदले उनको घर भेज दिया जाता है, और ना ही हमारे डिपो की तरफ से ना ही किसी अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया, उसको घर भेज दिया जाता है। उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने के बाद जब उसको फिर से बनास लाते हैं BHU में इलाज के दौरान, उसी दौरान रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात ना हमारे पदाधिकारी किसी ने उनको कोई आश्वासन दिया, ना ही किसी ने ये कहा कि इनको कुछ पैसे या कुछ आर्थिक मदद इनको मिलनी चाहिए। आज हमारा वो भाई मारा गया, कल हमारी बारी होगी, कल इनकी बारी होगी, ऐसे करके तो हम देख रहे हैं कि सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। बट किस वजह से मौत हुई है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर मिल पा रही है। सबसे पहली बात तो बता सर, जीवन चलाने के लिए खाना ज़रूरी है। आपने खाने की हालत पहले ही आपने देखा कि पूड़ी मिल रही है और वो सूखा सब्जी मिल रही है, और सिर्फ पूड़ी सब्जी खा के आखिर 20-20 दिन से 18-18 दिनों से कैसे लोग हैं आप सभी लोग जान रहे हैं। और किस और हमारे न पदाधिकारी, हम तो ये चाहते हैं सर, हम लोग सारे लोग ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से अनिल दुबे की मदद हो सके। हम लोग तो यहाँ पे आए हैं, अगर हम लोग नहीं पहुँचाएंगे और प्रवासी मजदूरों को तो कौन पहुँचाने जाएगा सर? देश में इतनी इस तरीके की व्यवस्था चल रही है सर, पूरा देश इस समय संक्रमित हो रहा है, सभी लोगों के पास इतनी परेशानियाँ हैं, सब लोग अपना घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि हम हमारा तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है सर, वो अनिल दुबे का कुछ न कुछ तो हो जाना चाहिए, बेचारों को कुछ न कुछ उसको आश्वासन या कुछ पैसा सरकार की तरफ से या मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी घर की स्थिति या उसका घर चल सके सर। ना ही इन बस ड्राइवरों के पास ना तो रहने की उचित व्यवस्था है और ना ही खाने के लिए अच्छा भोजन,
जो खाना इन्हें मुहैया भी कराया जा रहा है वो खराब क्वालिटी का है। पूरी बासी हो चुकी है और सब्जियों में भुकड़ी लगी हुई है जिसे आम इंसान खा नहीं सकता। बस ड्राइवरों का आरोप है कि इस भोजन को खाकर हमारी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और सैनिटाइजेशन ना होने की वजह से हमें संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। अब बस चालकों की इस बदहाली की तस्वीर को देखकर इनके विभागीय कर्मचारियों की नींद खुलती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।